प्रिय छात्रों, आज की तारीख 22 अगस्त 2020 ईस्वी शासी प्रथम खंड अनिवार्य पर सुखना दुख चल रहा है, वही ले जा रहा हूँ। इसको एक आदरुज में समाप्त हो जाएगा। आगे 23 अनुच्छेद तक कल हुआ था। आज की गज थोड़ा लंबा है, 24 अनुच्छेद। अपरितु स्वार्थ निष्पादन परेर धन पिशित ग्रास गृधे राजस्थान नरली बकैब द्वितीयम विरोध इति परधाराभिगमनम वैदग्धमिति मृगयासनम इति पान विलास इति परमत्ताम शौर्यमिति स्वादरपि त्याग अवश्य नितेति गुरु वचनाव धीर रपर प्रणेत्वमिति अजित भृत्यताम सुखोपशीव त्वमिति नृत्य गीत वाद्य वेश्या भी शक्ति ही रसितेति महापरा ध्यान नकारनम महानुभावेति परिभव सहत्वम क्षमेति स्वसंगताम प्रभुतिमिति देव देवावमानेन महासत्वेति वंदजन ख्याति दस इति तरलता मुत्साह इति अभिषेक ज्ञात मपक्ष पातित्वामिति दोखानपि गुणपक्ष मध्या रूपयति भरन्तः स्वमपि विहस दिभि प्रचारण कुशले ध्रुतेर मानुखो चिता भी स्तुति भी प्रत्याह माना बीच प्रदत्त चिंता निश्चित तनया तथे बेश्या रूपिता लिका भी माना मर्त्य धर्मारूपी दिव्यांसा बतीर्जमी सदैव बत मिव ती मानुखाम मसमान मृत प्रेक्षमाना प्रारब्ध दिव्यो चित तेष्ठानुभावा सर्वजनस्योप हास तामुपयान्ति मात्म विनम्बनान चान जीवना जनेन क्रियमाना भी नंदति तो ये बड़ा गद्य है। अपरितु स्वार्थ निष्पादन इसका धन कथा इस प्रकार है। धन के नशे में अंधे राजाओं को उनके सेवक उनके अवगुरुओं को
उनके श्रेष्ठ गुण बताते हुए जिस प्रकार ठग कर उन्हें जम समूह के उपहास का पात्र बना देते हैं, इसका वर्णन करते हुए सुखनाथ चंद्रापीर से कहता है, अपरितु स्वार्थ निष्पादन गद्य परे हैं, अब इसका अर्थ चलता है। सुखनाथ चंद्रापीर से कहता है कि दूसरे राजा स्वार्थ साधन में तत्पर, धन रूपी मांस को खाने में गृज के समान, राज दरबार रूपी कमलनी के बगुले के समान, धूर्तों से इस प्रकार ठगे जाते हुए है कि शिकार खेलना कि राजाओं का जुआ खेलना तो मनोरंजन है, दूसरों की नारियों को भोग करना चातुर्य है, शिकार खेलना व्यायाम है, मदिरा पान करना जीवन का वास्तविक आनंद लेना है, प्रमादी बनना पराक्रमी होना है, अपनी पत्नी की त्याग करना निर्व्यसनी होना, गुरुओं के वचनों का अनादर करना अत्यंत शक्तिशालिता है। नौकरों पर ध्यान न रखना और उनसे सुखपूर्वक सेवा कराना है। नित्य गीत बाज बेस्यादि शक्ति यहाँ से चल रहा है। नित्य गीत बाज में रुचि रखना तथा बेस्या में आसक्ति रखना तो रसिकता है। सेवकों के बड़े बड़े अपराधों को भी न सुनना महाप्रभावशालिता है। अपमान सहन करना वास्तव में सहनशीलता है। देवताओं का विस्तार करना महाशक्तिमत्ता है। बंदीजनों अथवा भाटों से की जाती राजा की उत्साह है। राजा की काल्पनिक अथवा पूर्ण मिथ्या प्रशंसा को भी वे झूठ कहते हैं। यह जस सफलता उत्साह है। विशेष जानकारी न रखना पक्षपात का न करना है। इस प्रकार राजा के दोषों को भी गुण के रूप में बताते हुए तथा मन ही मन स्वयं करते हुए कि हमने इस प्रकार इन अभिमानी राजाओं को धोखा दिया, धोखा देने में अत्यंत चतुर द्वारा की गई देवोचित स्तुतियों से धोखे में आए अर्थात ठगे गए धन रूपी मदिरा से उन्मत्त मन वाले चेतना रहित होने से धूर्तों द्वारा की गई मिथ्या प्रशंसा से अभिमान रखने वाले मरण धर्मा होते हुए भी इंद्रादि देवों के अंश से उत्पन्न हुए किसी पुरुषों के करने योग्य चेष्टाओं और प्रयत्नों की मिथ्या अनुभवों को प्राप्त करने वाले ये राजा सब मनुष्यों की हंसी के पात्र बनते हैं। अर्थात ये अभिमानी राजा
अपने पूज देवताओं का अवतार समझकर दिव्य कार्यों को करने का प्रयत्न करते हैं। उन प्रयत्नों में असफल होने से हंसी के प्राप्त बन जाते हैं। सेवकों द्वारा की गई अपनी प्रपंचना ठगी का भी अभिनंदन करते हैं। सर्वजन स्योप हास्या तामुपयान्ति आत्मविनम्बना चान जीवना जनेन क्रियमाणा अभिनंदन्ति। इस तरह से सुकना चंद्रा पीर से कहता है, उपदेश देता है। थोड़ा और 25 अनुच्छेद मनसा देवता ध्यारोपणाचन संभूत संभावनाप हताप चांत प्रविष्ट प्रविष्टा पर भृज द्वय मिवात बाबा हू जुगलम संभवाप यंती तो गंत स्थितियालोचनम स्वललाट मांसंकंते दर्शन प्रदानमप्यनुग्रह गरयन्ति दृष्टपातमप्युपकारपक्षी अस्थापयन्ति संभाषणमपि संभिबाप मध्ये कुर्वन्ति आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यते अस्पर्शमपि पावन माकलयन्ति। इस प्रकार अभिमानी राजामों की अभिमान वृत्ति की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए सुकना चंद्रापीर से कहता है कि अभिमानी राजा लोग अपने मन से ही अपने अंदर देवत्व की मिथ्या आरोप रूपी धोखे की संभावना से नष्ट हुए अपनी दोनों भुजाओं में अन्य दो भुजाओं को प्रविष्ट हुआ सोचने लगते हैं। अपने मस्तक को चर्म में छिपे हुए तृतीय नेत्र वाला तो गंत तृतीय लोचनम स्वललाट मांसकंते तृतीय नेत्र वाला समझने लगती है, अर्थात जिस प्रकार शिव नेत्रधारी हैं इसी प्रकार ये अभिमानी राजा भी अपने आप को नेत्रधारी शिव समान मानने लगते हैं। इसलिए ये दूसरे को अपना दर्शन देना भी उन पर की गई कृपा अथवा दया समझते हैं। किसी से वार्तालाप करना भी पारितोषित देना ही स्वीकार करते हैं। किसी को किसी प्रकार का कार्य कराने के लिए दी गई आज्ञा को भी वर देने की भांति मानते हैं। आज्ञाप्यपि वर प्रदानम मन्यते अस्मर्शमपि पावन माकलयन्ति। किसी को किसी प्रकार का कार्य कराने के लिए दी गई आज्ञा
की भी बल देने की भांति मानती है। किसी के शरीर को छू देना भी पवित्र करना समझते हैं। छब्बीस अनुच्छेद आगे मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भराश्च न परमन्ति देवताभ्य न पूजयन्ति द्विजातीन न मानयन्ति मान्यान नार्थयन्ति अवर्णीयान नाप्या दर्भ्यन्ति विवादयन्ति नाप्यो तिष्ठन्ति गुरुन अनर्थकाया शांतिरित विख्योप भोग सुख मृत्युप सहन्ति द्वि जनम जरा वैकल्प्य प्रलपित मिति पश्यन्ति मुद दिद जनोपदेशम आत्म प्रज्ञाप रिभव इत्यु सूचयन्ति सचिवोप देशाय कुपयन्ति हितिवादिने। इस गद्यांश में मिथ्या बरपन को धारण करने वाले राजाओं की अनियमितताओं का वर्णन करते हुए सुखना चंद्रापीठ से कहता है, मिथ्या महात्म मिथ्या अभिमान के घमंड से परिपूर्ण राजा लोग देवताओं को प्रणाम नहीं करते। विद्वान विद्वान को पूजते नहीं। सम्मानितों का आदर नहीं करते। पूजा करने योग्य व्यक्तियों की पूजा नहीं करते। प्रणाम तथा वंदना करने योग्य व्यक्तियों का अभिवादन नहीं करते। गुरुन अनर्थ का गुरुओं को देखकर उनका उठकर सत्कार नहीं करते। शास्त्रों का अध्ययन स्वरूप व्यर्थ परिश्रम से इन विद्वानों ने विषयों को उपभोग के सुख को दूर किया करते हैं। ऐसा विचार कर उनका उपहास करते हैं। अनुभवी तथा बूढ़े व्यक्तियों के उपदेश को वृद्धावस्था की विकल्पता से उत्पन्न केवल बकवास के रूप में ही देखते हैं। अर्थात यदि कोई वृद्ध व्यक्ति उनसे उपदेश देता है तो वे राजा उस पर वृद्ध के उपदेश को बुढ़ापे की विफलता से उत्पन्न निरर्थक पलाप के रूप में देखते हैं। उसका कोई सम्मान नहीं करते। अपनी सत्यासत्य विवेचनी वृद्धि को तो यह तिरस्कार है। ऐसा सोचकर मंत्रियों के उपदेश की निंदा करते हैं तथा हित के कहने वाले पर कुपित होते हैं। अर्थात जो इनका हितेशी है इत सूचयन्ति सचिवोप देशाय कुपयन्ति हितवादिने। अर्थात जो इनका हितेशी है उस पर भी कुपित होते हैं। औरों का तो कहना ही क्या।
इस प्रकार सुखना स्तंद्रा पीठ से उपदेश देते हुए लक्ष्मी का इस तरह से वर्णन करते हैं। प्रिय छात्रों, एक आध रोज और सुखना सुपदेश रह गया है, इसको हम एक दो दिन में समाप्त ही कर देंगे। गद्य है, कठिन विषय है, पढ़ना है।